कि यहाँ पे गंदगी बहुत है, हमको देखा नहीं जाता है। अब गंदगी नाला उला भी नहीं है, किसी का घर ठीक नहीं है, कोई बहुत परेशान है। एक टाइम खाते एक टाइम सोचते हैं कि हम कैसे घर बनाएंगे, कैसे नाला बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। इसलिए सोचे कि हम कुछ हम खड़े हुए हैं कि हमको कम से कम हम खड़े हुए कि हम किसी गरीब का मदद करें। यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है 5 नंबर वार्ड के, इन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी हमको मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है, मिल रहा है जी। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है वार्ड नंबर 5 लहरियागंज में। हम दर्शकों बता दें कि यह जो वार्ड नंबर 5 है, इससे पहले यह सप्ताह का एक पंचायत, सप्ताह पंचायत में शामिल था जो वार्ड 24 हुआ करता था। पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। हमारे साथ बैठी हैं हाजरा खातून, हाजरा बेगम बैठी हैं और उनकी साहबजादी भी है। हम बात करेंगे पहले हाजरा बेगम से। हाजरा बेगम ने वार्ड पार्षद के लिए नामांकन दाखिल किया है। आखिरकार वार्ड नंबर 5 से इन्हें जो है इन्होंने वार्ड पार्षद का नामांकन क्यों दाखिल किया है, हम जानेंगे, सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है? जी हाजरा बेगम। हाजरा बेगम, आपने नामांकन दाखिल किया है वार्ड पार्षद के लिए? जी वार्ड 5 से। क्यों? इसलिए किए हैं कि यहाँ पे गंदगी बहुत है, हमको देखा नहीं जाता है। अब गंदगी नाला उला भी नहीं है, किसी का घर ठीक नहीं है, कोई बहुत परेशान है। एक टाइम खाते एक टाइम सोचते हैं कि हम कैसे घर बनाएंगे, कैसे नाला बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। इसलिए सोचे कि हम कुछ हम खड़े हुए हैं कि हमको कम से कम हम खड़े हुए कि हम किसी गरीब का मदद करेंगे। तो आपका कहना ये हुआ कि इससे पहले जब पंचायत में शामिल था तो तरक्की यहाँ नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। इसलिए आपने फैसला लिया? इसलिए हम फैसला लिए कि हम खड़े हो रहे हैं, आप लोग कामयाब हो जाएगा तो हम सबका देखभाल करेंगे और सबका अच्छा ही। क्या लग रहा है यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है 5 नंबर वार्ड के, इन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी हमको मिल रहा है। हाँ, बहुत खुशी की बात है, मिल रहा है जी। दर्शकों देखा, ये हाजरा बेगम है, इतना अच्छा बोलती भी है। इनका कहना ये है कि जो वार्ड नंबर 5 है, हमारे सपोर्ट में है जी। जो वार्ड नंबर 5 है, यहाँ के लोगों में डेवलपमेंट नहीं है। पिछले 20 या 25 साल में जब तक पंचायत में शामिल था, सही से तरक्की का काम नहीं हुआ है। और इनका कहना है कि हमने मैंने ये फैसला इसलिए लिया कि मैं इस पंचायत की तरक्की चाहती हूँ। इस गांव में गरीब लोग ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास न तो आवाज है, न रहने का घर है, न खाने के लिए तीन वक्त की रोटी है। और साथ में सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि अभी भी इस वार्ड में सड़क नहीं है, नाला नहीं है, गंदगी बहुत है, गंदगी से बीमारी होता है। और गंदगी है, गंदगी से बीमारी होती है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका कहना है कि हमें जो है सपोर्ट भी मिला हुआ है यहाँ की जनता से। हम बात करेंगे, मेरे बाएं तरफ बैठी है इनकी साहबजादी है, स्वागत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुमताज बेगम। मुमताज बेगम, आप ये बताएं कि आपकी मम्मी है जी, जी, मम्मी ने आपका बड़ा फैसला लिया है, वजह क्या है? वजह यही है कि हम यहाँ पे नाला नहीं है, यहाँ पर एक आदमी का डेट भी हो गया था, नाला नहीं था, गिर के पिछल के बरसात के दिन में बहुत पानी का किल्लत होता है, सबके घर में पानी चल जाता है बरसात में, ना नाला है ना शौचालय, सब खेत में जाती है, बेटी बहू सब नहीं नहीं आती है, सब जाती है खेत में। इसी वजह से हम लोग को सब बोला कि तुम ही खड़ा हो, तुम लोग करोगी विकास, इसीलिए हम लोग बोले कि चल हम लोग खड़ा हो जाते हैं। आप तो बरसों से समाज सेवा में जुड़े? हाँ बरसों से, 6 साल से हम लोग जीविका में जुड़े हुए। महिला हैं आप? महिला हैं, अब तेज तर्रार महिला हैं आप, समाज सेवा करने का जी। हम लोग हाँ, तो हम लोग को क्या महीना थोड़ी मिलता था, जीविका के दौर से हम लोग को कुछ उतना मिलता ही नहीं, समझे समाज सेवा करते थे, इसीलिए वही सब तुम करती हो तो तुम ही करो। ये शौक क्या नाम है आपको? मुमताज बेगम। मुमताज बेगम नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका, मुमताज भी है बेगम भी है। आप ये बताओ मुमताज की आप में शौक क्यों पैदा हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट समाज का सेवा करना, क्यों? अभी शौक हुआ पहले की मेरे पास पहले बहुत मजबूरी था, पहले हम लोग बहुत गरीब थे, इसलिए उस समय में मेरा जीविका ही हमको साथ दिया, सबका ग्रुप उठाए, सबको पैसा उठाया, महिला लोग भी हम लोग को मदद दी, फिर हम लोग फिर कर्जा तोड़ दिए, फिर हम लोग उस समय से पहले शौक, पहले मजबूरी था, अब मेरा शौक हो गया, मतलब ये है क्या कि मेरा शौक हो गया, मतलब जरूर क्या हम विकास करेंगे, जिस तरह मेरा विकास हुआ हम सबका विकास। मुमताज आपका समझ रहे हैं दर्शकों, मुमताज बेगम है। मुमताज का कहना है कि एक वक्त था कि मेरे हालात खराब थे, मतलब ये है कि जब इंसान के हालात खराब होते हैं, उंगलियां बहुत उठती है, मेहनत के बाद तो दो वक्त की रोटी हासिल करके अपने जो परवरिश तो कर लेता है। और आज बरसों बाद, सालों बाद, आज यही मुमताज बेगम है, एक अच्छे घर में रह रही हैं। तो इनका कहना है कि मैं इस समाज की खिदमत करूं ताकि इस मोहल्ले में, इस वार्ड में कोई गरीब न रहे। अब बताएं कि अगर आप जीत जाती हैं, हाँ
तो सबसे पहले तो नाला पानी का इंतजाम करें कि पानी बिना कुछ नहीं, पानी की जल बात ही कर रही जीवन है। है। अब पानी जब की बात जल कर लेंगे रही है। जीवन, जल ही जीवन है। जल नहीं रहेगा तो आदमी जिएगा कैसे? पहले तो पीने का पानी नहीं है, पानी आया हुआ है मगर किसी के पास पानी गिर भी नहीं करता है। जब पानी उसी पहले उसको ठीक कराना, फिर नाला बनाना है, उसके बाद रोड, शौचालय, फिर उसके बाद घर, आवास जरूरी आवास है पे कि तो नगर निगम की एक कहानी हाँ रही है, नगर निगम में घपला खूब होता है, पैसा हाँ कमाने ये वाला सही सही आप बात भी है, सही नहीं बात मार है। नहीं, हम लोग को खूब दिया अल्लाह मियाँ, हम लोग को अल्लाह का दुआ से, आप लोग का दुआ है कि हम लोग को खूब है, बहुत है, अल्लाह मियाँ बहुत दिया है। बहुत दिया है। तो इस बात को सुनिएगा, मुमताज बेगम की इस बात को याद रखिएगा, अल्लाह मियाँ खूब दिया है। बोलना कि हम लोग नीचे से ऊपर गए हैं, हम लोग किसी का दुख दर्द समझते हैं क्योंकि हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं, हम लोग उस रास्ता से गए तो हम जान रहे कि नीचे से ऊपर जाना, इसी तरह से हम लोग उसका दर्द जानते हैं गरीब लोग का, मतलब साफ है, दर्द वही समझता है जो दर्द झेलता है। उसी को दर्द का एहसास होता है, तो हम लोग तो पूरा दर्द झेल चुके हैं, तब हम लोग सोचते हैं कि जो दर्द हम झेले वो अगला नहीं झेल पा रहे। हाजरा जी आप ये बताइए, आपकी बेटी तो समाज सेवी रही है, बेटी तो माँ को भी समाज सेवी बना दी है, जी हाँ बेटी माँ को भी समाज सेवी बना दी। आप ये बताइए कि आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जैसे बेटी बताइए आपकी कि हमने दर्द बहुत झेला है, इसलिए हम दर्द नहीं झेलने देंगे आप। जी सही बात आप इस मोहल्ले में, इस वार्ड में, जैसे बता रही है ये सबसे ज्यादा क्या लग रहा है आपको, जो बहुत जरूरी काम है यहाँ करना लोगों, खास करके मोहल्ले किसी की को खूब औरतें, तकलीफ हमको देखा है। औरतें जो है, हाँ औरतें वॉशरूम के लिए, जी टॉयलेट के लिए बाहर जाती है, बुरा हाँ नहीं लगता है? हाँ खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। अब लेडीज है, बहू है, बहू घर के पर्दा के लिए ना रहता है, बहू जाती है खेत में लैट्रिन करने के तो अब लिए, सवाल किसी ये के कि आंगना में पानी नहीं है, नल नहीं है, तो इसीलिए सरकार तो टॉयलेट भी देती है, लेकिन होता है कि 2,000 कमीशन मार लेता है लोग। नहीं हम लोग नहीं पैसा नहीं खाते हैं, किसी का भला कर देते हैं लेकिन हम लोग किसी का मदद कर देते हैं लेकिन हम लोग किसी से नहीं लेते हैं। नहीं, अल्लाह हम लोग को बहुत दिया, बहुत दिया, हम लोग का जीविका की तरफ से भी शौचालय बनाया गया आखिरी था, हम लोग बनाए आखिरी बात हम जानना चाहेंगे आपसे मुमताज बेगम, मुमताज आप ये बताओ आखिरी बात कि आपको जो वोटर्स हैं आपके, जी आप उनसे मिले हैं घर घर जी जाकर? जी से घर घर जाके मिले हैं, नामांकन जिस दिन हुआ था उस दिन पूरा घर में हम लोग गए थे, सब पूरा एकदम फौज गया था, तो क्या लग पूरा रहा दे है दिया सब? था, सब लोग साथ दे रहे, ई टोला ऊ टोला, ऊ टोला सब तीनों टोला साथ है मेरे साथ, दर्शकों तो ये तीनों थी, वाला साथ है। दर्शकों ये थी इनकी हाजरा की बेटी है मुमताज बेगम, और ये हाजरा बेगम है। अभी देखिए बड़ी बेबाकी से, बहुत बेबाकी से इन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ का दिया हुआ सब कुछ है, अगर जनता जनार्दन जो वार्ड नंबर 5 की है अगर मुझे कामयाब करती है, मैं वादा करती हूँ कि नो कमीशन, लेकिन काम वो सब होंगे जिससे इस वार्ड की तरक्की होगी। तो हम मिलते हैं एक नए उम्मीदवार के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।